मरीभूमि विधानसभा यात्रा, मारा वोट मारी सरकार, पावर्ड बाय लोचम मोटर, महिंद्रा स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स। अब भी पीछे जैसे कांग्रेस के ही बने हुए थे अपने। मेरा दूर लेकिन क्या? वोट किस तरह दोगे? तू को एक जिसे दे दूंगा से। अच्छा, नमस्कार। आज हरी भूमि विधानसभा यात्रा का पहला दिन है और हम पहुंचे हैं गढ़ी सापला हलके के गांधरा गांव में। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या हालचाल है, क्या गांव का माहौल है और अपने गांव में क्या कुछ ऐसा जो क्या मुद्दे हैं। कुछ नहीं, तो गली सारी फटी पड़ी है, बुरा हाल हो रहा है, को सफाई नहीं, बिल्कुल गंदी है दुनिया भर की, सारे गए इतना देख लो जाकर, सारी नली रोक की पड़ी है। क्या कर्मचारी है यहाँ सफाई वाले? कुछ नहीं काम हो रहे, काम कुछ भी नहीं कर रहे। पानी वानी टाइम से आ रहे हैं? पानी तो प्राउड भेजे एक आदमी, वो सप्लाई कर रहा हूँ, फिर पानी है नहीं गाँव में। अब ये इतने इंडस्ट्री है आपके, इसमें कंपनी है गाँव में, ये भी तो रोजगारी दे रहा है। ये मानते हैं आपकी बात, वो तो मुख्यमंत्री गाँव आते जी सरकारी कोई नहीं। 12 घंटे के 10,000 है, कौन से कानून में है? कोई से कानून में 12 घंटे नौकरी करके 10,000 रुपये, क्या मिनिमम ग्रेड सरकार का यही है क्या? 10,000 रुपये 12 घंटे काम ले, 10,000 रुपये दे सरकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं। अगिन को कोई तहकीकात कर लो, पैसे वाले के साथ है ये मोदी, व्यापारियों के साथ है ये मोदी, क्या कोई कानून बनाया क्या? अगले ठीक है, रोजगार हम भी चाहे भाई कंपनी लग गई, कौन सा ग्रेड दे रहे, बढ़िया ग्रेड दे रहे कोई सा, 10,000 रुपये में जहाँ है क्या करें, 12 घंटे की नौकरी करें। क्या दिया मोदी ने? कुछ नहीं दिया। एक हमारे यो बना दिया था अरविंद शर्मा रोहतक से, कुछ नहीं जा की तो मरिया पे भी गया, जिंदा गया कितने, कुछ नहीं गया कितने भी ना गया। जब बदस 3,45,000 तले दे दिया ना, 3,45,000 तले हरा कर बैठा दिया एक कोर्ट में, जयो विकास करता ऐसी नौबत नहीं आती क्या? वो आदमी ठीक नहीं था, आदमी भी ठीक था लेकिन गया था नहीं किसी के पास, किसी की सूद ली ना, किसे दौरा आया ना। हम खुद ब्राह्मण जाति से हैं, नहीं दिया हमने वोट इसकी। वोट डालोगे तो किस भी हाफ पे डालोगे? देखो जी, जो पहली सरकार थी भाजपा से पहले, उनमें चलती थी खर्ची और पर्ची ज्यादातर। अच्छा, हमारे जो गरीबों के बच्चे थे वो कहते थे पढ़ के क्या करेंगे, माँ बाप कहते थे पढ़ा के क्या करेंगे, हमारे पास पैसे तो है नहीं। लेकिन अब जो सरकार है, सच्चाई ये है कि जो लड़का पढ़ेगा वो निश्चित रूप से उसको नौकरी मिलेगी, मतलब यहाँ पैसा नहीं चलता अब के टाइम में। अच्छा, हमारा जो ग्रामीण है बच्चा वो अंग्रेजी में कमजोर है, जिससे वो आगे विकास नहीं कर सकता, लड़का पढ़ नहीं सकता और वो पीछे रह जाता है। अच्छा, रहा अरविंद शर्मा के बारे में लोगों के विचार, वो दुख सुख में आके किसी के उसमें नहीं आया हो। अच्छा, अगर वो आता तो शायद ये हालत नहीं होती। अंकल, ये तो हमारे सेंटर के मुद्दे थे। हाँ। अब होंगे विधानसभा चुनाव। हाँ। यहाँ का अपना MLA रहे उड्डा जी। हाँ। ठीक है। हाँ। तो उनके बारे में क्या विचार है? देखो जी, क्योंकि वो तो हो चुके हैं इलेक्शन। उड्डा पहले 10 साल रहा था, 10 साल में उसने जो है मेरे ख्याल में तो कोई खास काम नहीं किया। तो क्या सोच के डालोगे? आप भी कुछ सोच के तो डाल के आओगे। इलेक्शन बनवा दो। हाँ, ये बोलो ना फिर। हाँ, बताओ तो। जी जी, ये बेटी मैं तो इतना जानू, बस काम करूँ हूँ और बस आसी मजाक में, और क्या गाना ले। कोई बात नहीं। हाँ, सही, तो पेंशन बनवानी है। हाँ, बनी नहीं हुई ना। बता, बदलाव क्यों होगा? क्या हो गया? एक छोरा था नौकरी ना लग गया, पूरा पढ़ गया, सबके मोरिया बनाती नहीं लुगाई, एक एक बालक से ये बेचारे बेरोजगार हंडन लाग रहे, अर तो के फायदा बनाए उड़ो का। तो ये बता दे महात्मा गेरा और भाई मोदी गेरा प्लान, बहन और भाई के फायदा उन बहन भाई आगा, जब बालक तो बेचारे बरान होते हंडन लाग रहे। क्या सोच के वोट डालने जाओ? वोट डालना एक हमारा अधिकार है, उसको डालना भी चाहिए। उसका वोट डाल के हमने एक अच्छा MLA MP बनाना चाहिए, जिसके कारण से हमारे गांव का
हमारे प्रदेश का विकास हो। दूसरी चीज, बीजेपी को वोट डालने की हमारी 100% कोशिश रहती है और डालेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे हरियाणा प्रदेश में पहले से ही खर्ची पर्ची का काम चलता था। अब जो बच्चे यहाँ क्वालिफाई करते हैं, वो किसी का भी बच्चा हो, गरीब का हो, अमीर का हो, मध्यम वर्ग का हो, किसी का भी हो, उसमें हमारा बच्चा बगैर खर्ची पर्ची के लगता है नौकरी। गांव में सबको स्वच्छ पानी मिले, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो। अब यहाँ प्राइवेट स्कूलों का बहुत ज्यादा बोलबाला हो रहा है अपने हरियाणा के अंदर, है नहीं? तो मैम ये चाहते हैं हम कि सरकारी जो स्कूल हैं, या तो उनको प्राइवेट ठेके पर उठाया जाए, या फिर सरकार उनके प्रति इतना कुछ करे कि जो भी मतलब अपने सरकारी मास्टर हैं, वो ज्यादा से ज्यादा गांव के अंदर अपना प्रचार करे और बच्चों को वहां एडमिशन दिलाए। 15 दिन में डिग्गिया पानी आ वो भी छटता हो तो देखा होगा रास्ते में अड़बूस्टर पानी में चूना रहे हैं, नारिया पानी जो गंदा पानी आता ना उस जोड़ी में, उसके अंदर चूहर वो उसके में मिक्स होकर वो सप्लाई कर दे। तो ये तो बहुत बुरे हाल है, बुरा हाल है गति सड़ना रहा। आप तो कहते हो खावा अपना हो रहा है, फिर पानी पीने का कैसे, किसे पीने का? सब बेचारे कैंप पर धरवाओ पैसे पीने के लिए, क्या करें? प्राइवेट सप्लाई उसी, अब जो सप्लाई नहीं डलवा सकता उसकी तो उसकी मजबूरी है। बेचारे कहने में कहीं कहीं से पानी लाते हैं धड़कन, सबका भी थोड़ी पैसे लगाने का, ये मजदूर आदमी है, पैसे रोज खाना खाएगा या पानी पिएगा? तो अब जो वोट डालोगे अपने मुद्दे देख के वोट डालोगे ना? बिल्कुल जी भाई, ये दिक्कत है हमें बिल्कुल। अब कोई भी अपने प्रत्याशी उठे उनको बताओगे ये मुद्दे हैं? बिल्कुल, खुल के बताना है। हाँ खुल के बताने लग रहे हैं हम तो, आपके माध्यम से ही जाएगा जो भी जाएगा, हमारे पास तो कोई आगा नहीं। हाँ भैया मीडिया का ही है, जो भी मीडिया आप जो हमारे मुद्दे दिखाओगे, जो आने वाली सरकार जो चल रही है सरकार, वो देखेगी भाई क्या क्या परेशानी है। मैम चाहिए हमने स्वास्थ्य चाहिए, एजुकेशन चाहिए और अपना ट्रांसपोर्ट चाहिए। अगर बढ़िया इन्वायरमेंट होगा तो कंपनी आएंगी, हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। कंपनी तो नहीं, हमारे लोकल आदमी देख लो। हाँ मैनेजर लगा ले चाहे और कोई भी अंदर बाहर, अपना सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, वो हमारे गांव का लोकल मिलेगा भाई, वो भी हमारी थोड़ी वो हिम्मत हो जाती भाई मैनेजर को भी कंपनी मालिक को, भाई ये लोकल हैं, कोई बाहर का तो आता है तो भी उसका हैंडल कर लेंगे, लेकिन अंदर नहीं बोला, अंदर तो नहीं है। आपको तो बड़ी दिक्कत आ रही है, दिक्कत तो ना पानी है तो दिक्कत से जब बता जो है मतलब ये 5 सीट हरियाणा में की ना तो 10 सीट ना आ रही थी पिछले गेड़े है, पिछली बार 10 आई, अब की बार 5 आई, अब की बार यहाँ क्या दिक्कत ना आवा तो इनका 10 नहीं आवा है, तो ये तो 5 क्यों आई, ये दिक्कत क्या कारण था? ये तो सेंटर में आ गई 5 सीट, हरियाणा में नहीं 5 आई है। हाँ हाँ मतलब सेंटर के थे ये, हाँ सेंटर की सरकार, हरियाणा में जो है इनका शोकी शो कांग्रेस है, शोकी शो। अच्छा ठीक है, फिर हो जाएंगे काम अब की बार तो, काम होंगे तो फिर सरकार आ जाएगी, काम ना होंगे तो कौन उभरेगा? पहले तो वोट डालनी पड़ेगी, वोट तो जब डालेंगे ना जब जो की काम की वो होगी, ये तो है। और अपन 10 साल यो रख दिया आगे जो मतलब 5 साल में फिर बदल देंगे, जब काम करवाएंगे तो मैं निशान तो ना दिखता नहीं हो रहा है, बच रहा है, काम करते हो आप इसलिए मिट गया, गिर गए थे भाई वोट वोट सुनाया था। अब डाल क्या हो गया? अब जैसे विधानसभा चुनाव होंगे, हाँ। ये तो सेंटर के थे, हाँ। अभी आपके यहाँ के होंगे, हाँ। तो भैया वोट डालने जाओगे, क्या सोच के वोट डालने जाओगे? भाई सरकार कोई बनो, सब भाई अपने हैं, सब अपने बस काम करेंगे ना करेंगे उनकी मर्जी है, हम तो वोट दे कान के अधिकार है अपने, तो रहता बेटा वोट तो है ही अपने बस। गांव का कैसा माहौल है, कुछ करवाया सरकार ने अब तक? आड़े बेटा कुछ ना करवाया सरकार, ना आड़े तो कुछ नहीं करवाती सरकार, आड़े तो जो पड़े है ना सारे नहीं है पड़े, इतने काम पड़े हैं, मार तो पानी भी नहीं आता और बुझे तो सरकारी भी पानी भी नहीं आता, 10 दिन में पानी देवा है, अरे पानी नहीं आता सरकारी, हम तो इतने दुखी हो रहे हैं, टैंकर गलवा गलवा बावले हो जावा है, पानी आता नहीं, फिर मतलब
टैंकर भी आपको इतने ले आने पड़ते होंगे, इतने मंगवाओ 500 रुपए का टैंकर गल है। अच्छा वो गलवावा आई बिने में दो गल है। सड़क भी हमने देखी टूटी पड़ी है, सब कम टूटा पड़ा बेटा आड़े आड़े कोने क्या है कि भी आड़े तो है वो बात है, बस नाम नाम गांदरा का है ना, तो कम ना है आड़े सारी दिक्कत है सब क्या है। वो पूछे तो गए ना भाई हम भी पानी की सब तो बूंदा था पानी का रास्ता हट सारा मोल का गल्ला है अड़े। तो आने वाली जनरेशन तो फिर गांव ही छोड़ जाएगी, छोड़ने पड़ेंगे जब ही नाला चलना है घटा के मोगा धरती में बिक जाएंगी। बिल्कुल जो कि मेरा वही ना ये के है क्या क्या कर सकते हैं बेटा, इतना ही हम तो। अब भैंसों को लेके आयो मैं इसलिए कर रहे हैं बेटा, ये जोड़ भी अभी बता रहे थे इन्होंने कुछ से ही बनवाया सरकार ने कुछ नहीं कुछ नहीं कराया, अपने आप से पैसे इकट्ठे करा है ना यो है वो पहले फिर भैंसों को काटने लगते थे अपने घर आए नाले उसमें मोल के पानी में भैंसों ने और बैसा ने भी नवा लो बर्तन भी मांगो कितना पानी मंगवा मोल का तो बता ला रही बेटा दो टैंक कर ला है बिन्ने में। अच्छा सरकारी पानी आता नहीं सप्लाई वाले तो कति नु करे है काम तो पानी देवे को नहर ना आती नहर ने शिकायत करी है ए बेटा एक के शिकायत करे तक कम चल रहा एक के तो नहीं पर गांव में दुखी तो और भी होंगे ना दुखी तो सब है फिर सब है बस कोई अपने ये प्राइवेट ठुठी लगवा रहा है कोई किमे लगा रहा है गरीब आदमी का कोई आड़ा भी सेवा ना है। हां भैया अपना टैंकर बुलाओ तो बुलाओ ना लो भाई ना बुलाओ दुखी हो यार आड़े कोई सुविधा नहीं है कोई दुखी हो रहा है तो उसने कोई वो कर देगा मजबूरी किसी की सब मजबूरी का फायदा उठा रही है। ठीक है आंटी कोई नहीं अब की बार वोट डालना हो सोच समझ के डाल के ना वोट पक्का डालनी है वोट तो पहले डालने क्यों रहा वोट तो ये बात यही है अपने तो रहता है। बिल्कुल बिल्कुल।